इसमें कहा जा रहा है सिक्स मैरिड कपल्स एक रूम में स्टैंड खड़े हैं, ठीक है। तो एज्यूम कर लेते हैं ये मैरिड कपल है, 11, 12, ठीक है। ये 12 मैरिड कपल्स इस रूम में है, ठीक है ना, क्योंकि देखो सिक्स मैरिड कपल्स हैं मतलब 12 लोग होंगे, 12 लोग होंगे इस रूम में, ठीक है। अब इनमें से चार लोगों को सेलेक्ट करना है, इनमें से चार लोगों को सेलेक्ट करना है जिनमें से एक मैरिड कपल हो, ठीक है, एक मैरिड कपल हो। बाकी जो बचे हैं उनमें से अगर हम लोग, बाकी जो 10 बचे हैं उनमें से अगर हम लोग दो और मैरिड कपल ही सेलेक्ट कर लें तो दो मैरिड कपल हो जाएंगे ना, हमें सिर्फ एक ही मैरिड कपल रखना है। तो अब जो बचे 10 लोग उनमें पांच पांच पेयर ऑफ मैरिड कपल है, तो हमें पांच को हटाना पड़ेगा, पांच मेल पांच फीमेल अलग करना पड़ेगा ताकि हम लोग दो लोगों को चूज कर सकें जिससे हमारा बन सके 1 मैरिड कपल + 2 नॉट, जो एक दूसरे से मैरिड कपल ना हो। तो अब पांच मेल अलग कर दिया हमने और पांच फीमेल अलग कर दिया। अब इनमें से हमें, चलो पहले 1 मैरिड कपल सेलेक्ट कैसे करेंगे, 6C1, 6 पेयर में से एक हमने सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब हमें 5 मेल और 5 फीमेल, तो 5 मेल में से एक सेलेक्ट करेंगे, दो सेलेक्ट कर लेंगे काम हो जाएगा, क्योंकि ये दो लोग है ना, एक पेयर दो लोग और ये दो, चार हो जाएंगे, ठीक है। या फिर फीमेल दो उठा लेते हैं, 5C2। या फिर हम ये भी कर सकते हैं एक मेल हो और एक फीमेल हो, 5C1, फोर जी वन। तो ये केसेस बनेंगे, टोटल पॉसिबिलिटीज क्या है, सैंपल स्पेस क्या है, हमें 6 मैरिड कपल्स में मतलब 12 पीपल्स, 12 पीपल में से हमें चार लोगों को सिलेक्ट करना था, ये हमारा सैंपल स्पेस है, ठीक है। एक मैरिड कपल हमने सिलेक्ट कर लिया, बाकी में ये सारी चीजें होंगी। तो एक तो 5C2 और 5C2 और 5C1, 4C1, ये सारी पॉसिबिलिटीज थी, ठीक है। अब एक एक करके अब इसे सॉल्व कर लेंगे। 6C1 होता है 6, 5C2 क्या होता है, 5 × 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल × 2 फैक्टोरियल, तो 5 × 4/2 मतलब 10 होता है, ये भी 10 होगा, 5C1 5, 4C1 4/12C4, तो 12C4 अपना क्या होगा, 495। अब इसे हम लोग सॉल्व करें तो 6 × 20 + 20/495, सिंप्लीफाई करते हैं, तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा 16/33, ये है अपना आंसर। आई होप आपको समझ में आया हो, समझ में आया हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए।